का S-400 हुआ पाकिस्तान सीमा पर तैनात। पाकिस्तान के एक तिहाई हिस्से से भारत हो गया सुरक्षित। पाकिस्तान की निकली चीखें, पीओके जाने का सता रहा है डर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडियन न्यूज। चलिए इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, कल से रशिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को स्टार्ट कर चुके हैं और भारत को तय सीमा पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा। परंतु S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के भारत आने से चीन से ज़्यादा पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, क्योंकि भारत सरकार ने कुछ ऐसा कड़ा एक्शन लिया है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चीन के बॉर्डर पर तैनात ना करके पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया है। और इससे पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही बुरी तरीके से भड़की हुई है भारत पर, क्योंकि यदि एक बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की सीमा पर तैनात हो जाता है तो पाकिस्तान का एक तिहाई एयरोस्पेस भारत पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा और यहां से पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही बची हुई एयरोस्पेस को भारत अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से कवर कर देगा और पाकिस्तान को ऐसे में यह डर सता रहा है कि कहीं भारत अचानक पीओके पर धावा ना बोल दे और पीओके को पाकिस्तान से ना छुड़ा डाले, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है उसको लेकर पीओके यदि भारत के पास आ जाता है तो फिर जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि पीओके में ही कई सारे आतंकवादी समूह संगठन एक्टिव हैं। इसके साथ साथ यह भी एक संभावना बन जाती है कि भविष्य में भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों पर लगाम लगाने के लिए पीओके पर स्ट्राइक भी कर सकता है, जिस यदि पाकिस्तान की वायुसेना भारत में घुसने का प्रयास करेगी तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। और इसी के चलते पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फट रही है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट से। और दोस्तों, कई सारे हमारे मित्र मानते हैं कि चीन के बॉर्डर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहिए था, परंतु दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीन की सेना पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय नहीं हुआ तो चीन तक यह सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक स्कैनिंग करने की है, जिसके चलते यह जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक आसानी से एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है भारतीय सीमा को। और इसी के चलते भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि पाकिस्तान सीमा पर तैनात रहकर चीन तक हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा यदि भविष्य में पाकिस्तान के पिल्लों के द्वारा जम्मू कश्मीर में फिर से किसी खुरापात को अंजाम दिया गया तो भारत बेधड़क होकर पीओके पर स्ट्राइक करेगा और पाकिस्तान इससे भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और ऐसे में दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का खतरा रहता है। बाकी आप सभी की भारत सरकार के इस डिसीजन को लेकर क्या राय है? क्या पाकिस्तान सीमा पर S-400 की तैनाती सही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बस दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।